एक वक्त ऐसा था जब इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स मिस्टर विजय केडिया के पास 14 रुपए भी नहीं थे अपने बच्चे का दूध लाने के लिए, और उस दिन उन्हें अपनी गरीबी का एहसास हुआ। लेकिन फिर एक ऐसा दिन भी आया जब उन्होंने एक दूध कंपनी का मेजर ब्लॉक खरीद के अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया, ये कह के कि कुछ साल पहले मेरे पास अपने बच्चे के लिए दूध के लिए भी पैसे नहीं थे। There was one incident where I did not have even 14 rupees to buy a box of milk Lactodex to feed my son. In between, I was offered a bulk of shares of a dairy company which was into milk products and milk and milk products. I bought that block of that company and gifted to my wife and told her this is your reward for that 14 rupees we could not arrange. Anyways, आज विजय केडिया जी की नेट वर्थ 862 करोड़ रुपीस है। Yes, you heard it right. ये स्टोरी है 14 रुपए से 862 करोड़ रुपए की। तो आज हम जानेंगे मिस्टर विजय केडिया की लाइफ के बारे में और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनके इन्वेस्टिंग स्टाइल के बारे में। तो सबसे पहली चीज जो उन्होंने सीखी वो थी कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग आर डिफरेंट। विजय केडिया बोलते हैं कि अगर मैं अपनी लाइफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 1/3, 1/3 और 1/3, तो पहले 1/3 में मुझे ये समझ आया कि मैं ट्रेडिंग में पैसे नहीं कमा सकता। एक पार्ट मेरे को यह समझ में आ गया कि ट्रेडिंग में मैं पैसा नहीं कमा सकता। लाइफ के सेकंड 1/3 पार्ट में उन्होंने डिसाइड किया कि वो ट्रेडिंग नहीं करेंगे और उन्होंने इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया। और लाइफ का लास्ट 1/3 पार्ट वो कहते हैं कि मैं अभी जी रहा हूं और उन्हीं लर्निंग्स को और ज्यादा डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि ट्रेडिंग से उन्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों है। विजय केडिया और उनके 5 फैमिली मेंबर्स एक सिंगल रूम में रहते थे, तो उस वक्त उन्होंने रियलाइज किया कि वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं थी। और 19 साल में उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। तो पहले 6 महीने में 1 साल तक उन्होंने काफी अच्छा किया और इवन अपनी फैमिली को हर महीने वो कुछ ना कुछ पैसे दिया करते थे। उस वक्त उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ा इजी है, मुझे तो करोड़पति बनने की चाबी हाथ लग गई। लेकिन बहुत ही जल्दी उनकी बिगनर्स लक खत्म हो गई और उनकी लूजिंग ट्रेड उनकी विनिंग ट्रेड से ज्यादा होने लग गई और हालत इतनी बुरी हो गई कि उनकी मदर को अपने गहने तक बेचने की नौबत आ गई। लेकिन लकीली उन्होंने लास्ट ट्रेड में पैसे कमा लिए और अपनी माँ को गहने बेचने से मना कर दिया। उस वक्त उन्होंने अपना सबसे पहला लेसन सीखा जो कि था कि कोई भी परफेक्ट नहीं है और ट्रेडिंग उनके लिए नहीं बनी है। विजय केडिया कहते हैं कि मैक्सिमम लोग उनसे पूछते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि मार्केट का क्या होगा, मार्केट अप जाएगी कि डाउन जाएगी, और वो कहते हैं कि छोड़ो यार मार्केट को, एक बिजनेसमैन मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी उसको देख के बिजनेस नहीं करता, वो अपना बिजनेस कर रहा है अपने कस्टमर्स को देखकर। ऊपर कोई भी मिलता है रस्ते में, पार्टी में या कहीं भी, अरे मार्केट क्या लगता है, अरे छोड़ बाबा मार्केट क्या लगता है, मार्केट क्या लगता है वो इंडस्ट्रीज को सोचने दीजिए। इंडस्ट्रीज अपनी कंपनी को एक्सपेंड नहीं कर रहा है शेयर बाजार के बुल और बेयर मार्केट को देख के। तो हमारी फर्स्ट लर्निंग यह है कि कंपनी के फंडामेंटल्स को यूज करके इन्वेस्टमेंट करो, मार्केट के मूड को देखकर नहीं, यानी इन्वेस्टिंग करो ट्रेडिंग नहीं। सेकेंड पॉइंट आता है कि इन्वेस्ट इन हाई ग्रोथ कंपनीज। विजय केडिया का मानना है कि हम मिलियनर्स तभी बनेंगे जब कंपनी के प्रमोटर्स यानी उनके ओनर्स बिलियनर बनेंगे। इन शॉर्ट, एक हाई ग्रोइंग कंपनी में ही रियल पैसा बनता है। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट से अगर हम screener.in में जाते हैं और रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप देखते हैं तो ये करीबन 18 लाख करोड़ रुपए है। तो अगर अभी हम इसमें पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारे पैसे डबल तभी होंगे जब इस कंपनी का मार्केट कैप 18 से 36 लाख करोड़ हो जाएगा, जिसके लिए रिलायंस को काफी इनोवेशंस करनी पड़ेंगी। दूसरी तरफ अगर हम प्रकाश पाइप्स लिमिटेड की तरफ आते हैं तो इसका मार्केट कैप सिर्फ 430 करोड़ रुपए के आसपास है। अगर हम अभी इसमें इन्वेस्ट करते हैं और इसका मार्केट कैप 807 करोड़ रुपए हो जाता है तो आपके पैसे भी डबल हो जाएंगे। इन शॉर्ट, छोटी कंपनी में ग्रो करना ज्यादा आसान है, ऑब्वियसली इसमें रिस्क भी ज्यादा है बट ग्रोथ भी यही है। इसलिए विजय केडिया स्मॉल और मिड कैप इंडस्ट्रीज में ही इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एजेस लॉजिस्टिक में विजय केडिया ने इन्वेस्ट किया था तो उसका मार्केट कैप सिर्फ 20 करोड़ था। आप इसे रिलायंस के कंपैरेटिवली कंपेयर कर सकते हैं जिसका मार्केट कैप अभी 18 लाख करोड़ चल रहा है। फर्स्ट टाइम व्हेन आई बॉट एजेस लॉजिस्टिक्स द मार्केट कैप ऑफ दैट कंपनी वाज समवेयर अराउंड आई थिंक 20 करोड़। एज एन इन्वेस्टर हम बहुत सी हाई ग्रोइंग यूएस कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि यूएस में लोगों को स्केलिंग बहुत अच्छे ढंग से आती है, यानी वो कंपनीज को ग्रो बहुत जल्दी कर लेते हैं। अगर हम यूएस की किसी ग्रोइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जैसे कि गूगल या टेस्ला जो कि अभी भी अच्छे रेट से ग्रो हो रही है, तो हम इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना कंसीडर कर सकते हैं। पर सवाल यह है कि हम कौन सा प्लेटफॉर्म या तरीका यूज करें। कुछ साल पहले यूएस के स्टॉक्स लेने में लोगों को बहुत परेशानी होती थी, बहुत कमीशन इन्वॉल्व थी, लेकिन अब हम INDMoney ऐप से काफी आसानी से यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं खुद इस ऐप को यूज कर रहा हूँ
यहाँ पर जीरो अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस फीस है, जीरो ब्रोकरेज फीस है, यहाँ बेस्ट एक्सचेंज रेट भी मिलता है और 5900 प्लस यूएस स्टॉक्स और ETFs में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है। अगर हम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर अपना यूएस स्टॉक अकाउंट सेटअप करते हैं और यूएस स्टॉक अकाउंट को फर्स्ट टाइम फंड करने पर हमें 750 रुपीज वर्थ के एप्पल शेयर्स भी मिलेंगे, यानी टोटल 750 रुपीज के फ्री यूएस स्टॉक्स। डिस्क्रिप्शन लिंक के अलावा अगर हम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आईएनडी मनी ऐप डाउनलोड करते हैं तो हम गीगल ऐप कोड से साइन अप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि लर्न फ्रॉम अदर मिस्टेक्स। विजय केडिया को शादी करने में भी बहुत डिफिकल्टी हो रही थी क्योंकि कोई भी ऐसे लड़के को अपनी लड़की नहीं देना चाहता था जिसके पास अपनी पत्नी को रखने के लिए अलग से रूम ना हो। बट फाइनली उनकी शादी हुई और एक साल के बाद उनका लड़का भी हुआ और अभी तक इनकी हालत खराब ही थी। और यहाँ पर ही वो सिचुएशन आई थी जहाँ पर इनके पास अपने लड़के के लिए दूध लेने के लिए भी 14 रुपए नहीं थे। एनीवेज उन्होंने डिसाइड किया कि वो मुंबई जाएंगे। मुंबई में जाने के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बहुत चक्कर काटे। बहुत से लोगों ने उनसे कहा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इतनी आसानी से नहीं आ सकते, लेकिन विजय केडिया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास बैठे रहते। फिर 3 दिन तक वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे तो वो क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गए, यानी बंद चीजों से इन्हें डर लगने लग गया और वो अगले ही स्टेशन में ट्रेन से निकलकर बाहर निकल आए और वापस कोलकाता में आ गए। लेकिन कोलकाता में 6 महीने रहने के बाद उन्होंने फिर से डिसाइड किया कि मैं अपने ड्रीम्स नहीं छोड़ सकता और वो वापस मुंबई आ गए। यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टिंग सीखना स्टार्ट किया, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे देखते हैं एक्सेट्रा। उसके बाद जब बुल मार्केट स्टार्ट हुआ तो उन्होंने 35,000 रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए जो कि एक साल में 10 टाइम्स हो गए। और इससे उन्होंने मुंबई में अपना पहला घर लिया और अपनी पूरी फैमिली को मुंबई बुला लिया। तो सवाल ये था कि उन्होंने क्या सीखा था। विजय केडिया बोलते हैं कि मैंने अपनी लाइफ की लर्निंग को एक फॉर्मूले में कन्वर्ट किया है जिसे हम स्माइल एक्रोनिम से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है स्माइल फॉर्मूला। अब इससे पहले कि हम समझे कि स्माइल फॉर्मूला हमें कंपनीज को फिल्टर करने में कैसे हेल्प करता है, हम एक हाईवे की स्टोरी को समझते हैं जो विजय केडिया अपने टॉक्स में अक्सर समझाते हैं। तो वो स्टोरी ये है कि मान लो आप एक हाईवे में जा रहे हो तो ये जो हाईवे है उसे आप ग्रोथ मानो। ग्रोथ इन द सेंस कि कंट्री ओवरऑल कैसे ग्रो कर रही है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओवरऑल सेक्टर कैसे ग्रो कर रहा है। अब इस हाईवे में जो कार चल रही है वो कंपनी है और जो इस कार को चला रहा है यानी उस कार का ड्राइवर वो कंपनी की मैनेजमेंट है और जो पैसेंजर है वो हम लोग हैं यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स। अब इन तीनों चीजों का अलाइनमेंट होना चाहिए, यानी अगर हाईवे अच्छा है तो अगर मर्सिडीज कार ना भी हो और एक सिंपल ऑल्टो कार हो और ड्राइवर अच्छा हो तो भी वो अपने डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचा देगा। हो सकता है मर्सिडीज 200 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही हो लेकिन ऑल्टो सिर्फ 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही हो, लेकिन पैसेंजर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। बट अगर ड्राइवर ही इडियट है और उसने शराब पी हुई है तो वो एक्सीडेंट करवा सकता है, या फिर आगे हाईवे में डेड एंड है तो भी पैसेंजर अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इस एनालॉजी को यूज करके एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि 1800s का टाइम चल रहा है और सब घोड़ा गाड़ी में ट्रेवल करते हैं। कंपनीज भी हैं जो अच्छी हैं, जो कि घोड़ा गाड़ी बना के सेल करती हैं। और आप सोचते हैं कि एक अच्छी हाई ग्रोइंग हॉर्स कार्ट की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि अब एक नया प्रोडक्ट यानी एक कार कंपनी लॉन्च हो गई है तो कोई भी फ्यूचर में घोड़ा गाड़ी को नहीं खरीदेगा, यानी घोड़ा गाड़ी की जो मार्केट है वही अब ग्रो नहीं करेगी बल्कि उल्टा वो डिक्लाइनिंग स्टेज में है। तो इन शॉर्ट 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। 1, जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या वो इंडस्ट्री पूरी की पूरी ग्रो हो रही है या नहीं। 2, उसकी मैनेजमेंट कैसी है। और 3, उस कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है। अब ये समझने के बाद हम आते हैं विजय केडिया के स्माइल फॉर्मूले में, जहां S का मतलब है स्मॉल इन साइज, यानी छोटी कंपनीज में ज्यादा ग्रोथ होगी। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक कंपनी 10 करोड़ से 20 करोड़ कमाती है तो ये 100% की ग्रोथ है, लेकिन अगर अब वही कंपनी 20 करोड़ से 30 करोड़ कमाती है तो बेशक इसने दोबारा से 10 करोड़ एक्स्ट्रा कमाए लेकिन ये ग्रोथ परसेंटेज की टर्म्स में सिर्फ 50% हुई। इसलिए हमें ज्यादा प्रॉफिट छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करके होगा। फिर MI आता है, यानी मीडियम इन एक्सपीरियंस, जिसका मतलब है कि बेशक कंपनी को चला रही मैनेजमेंट के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो लेकिन मिनिमम मीडियम एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जिसमें उन्होंने कम से कम एक मार्केट फॉल तो देखा ही हो और उस बुरे समय में अपना बिजनेस अच्छे तरीके से मैनेज किया हो। नेक्स्ट आता है L, यानी लार्ज इन एस्पिरेशन, जिसका मतलब है कि उनके ड्रीम्स बहुत बड़े होने चाहिए, कि वो अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहते हैं और वो खुद ही बिलियनर नहीं बनेगी। अगर वो खुद ही बिलियनर नहीं बनेंगे तो इन्वेस्टर्स मिलियनर कहां से बनेंगे, क्योंकि उस कंपनी में हमने तो सिर्फ छोटा सा टुकड़ा लिया है। और ई से आता है एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल, यानी वो कंपनी जिस मार्केट में है वो मार्केट भी ग्रो होनी चाहिए। फर्स्ट एक्चुअली हिट वाज यू कैन से एजिस लॉजिस्टिक्स,
actually. First time when I bought Aegis Logistics, the market cap of that company was somewhere around, I think, 20 crore. तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने मिस्टर विजय केडिया की स्टोरी देखी कि कैसे उन्होंने 14 रुपए को 862 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जादू एक साल में नहीं हुआ बल्कि काफी साल लगे, और इसमें मिस्टर विजय केडिया की ये लर्निंग रही। पहला, पैसा तो इन्वेस्टमेंट से ही बनेगा, ट्रेडिंग से नहीं, इसलिए उन्होंने कंपनी के फंडामेंटल्स को देखना स्टार्ट कर दिया। सेकंड, उन्होंने माइल फॉर्मूला दिया जो कहता है कि छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिनकी मैनेजमेंट मोटिवेटेड हो, जो कुछ बड़ा करना चाहती हो, और साथ में मैनेजमेंट मिनिमम इतनी एक्सपीरियंस्ड हो कि उन्होंने एक बार कम से कम अपनी लाइफ में मार्केट डाउनफॉल देखा हो। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो होनी चाहिए। दोस्तों, आईएनडी मनी ऐप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करके एप्पल के फ्री शेयर्स हम क्लेम कर सकते हैं। रिमेंबर द कोड गीगल एप्पल। दोस्तों, अगर आप 1000 से ज्यादा बुक समरीज अपनी जेब में हमेशा चाहते हैं ताकि आप अपने फ्री टाइम में ग्रेट आइडियाज मिस ना करें, तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर हिंदी में फ्री में बुक समरीज अवेलेबल हैं, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।